हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जब उम्र मुबारक उम्र शरीफ जब 7 साल की होती है तो मेरे आका अलैहि सलातु व सलाम इस ख्वाब का ने हकीकी से जाहिरी गसार फरमाते हैं और उसके बाद में जब मेरे आका हुसैन के 7 साल के बाद की जब जिंदगी होती है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रोजा रख के इमाम हुसैन को सब्र का दर्श दिया है। मेरे आका हुसैन को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रियाजत व मुजाहदा करके इमाम हुसैन को रियाजत व मुजाहदा का दर्श दिया है। मेरे आका हुसैन की अजमत वो अजमत है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद में हजरत खातून जन्नत फातिमतु ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप में से हजरत इमाम हुसैन की परवरिश करवाती हैं। कुरान के पारों को सुना के कुरान की लोरियां सुना के मुस्तफा जाने रहमत के दुरूद भेज के हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को सुनाती थी और आप रोटियां पकाती जाती इमाम हुसैन को कुरान की तिलावत सुनाती जाती थी। सीरत इसलिए पेश कर रहा हूँ हमारी माँ और बहनें अगर हैं तो वो भी सुन ले और गौर से सुने। अगर तुम्हें फातिमतु ज़हरा की कमीज बनना है तो तुम मोबाइलों को छोड़ दो, सीरियल देखना छोड़ दो, तुम गाने बजाना छोड़ दो, बच्चों के सामने किसी नाच और किसी डांसर की आवाज लगाना छोड़ दो। अगर तुम्हें अपने बच्चे की परवरिश करना है तो अपने बच्चों के सामने किसी और का किस्सा मत सुनाओ, किसी और की गीत सुनाओ, किसी और की सीरत मत पढ़ो। अगर तुम्हें अपने बच्चों के सामने किसी का किस्सा सुनाना है तो गौसे समदानी का किस्सा सुनाओ, शहंशाह करबला का किस्सा सुनाओ, मौलाए कायनात का किस्सा सुनाओ। अगर तुम्हें अपने बच्चों की सीरत सुनाना है तो तुम अपने बच्चों को किसी हीरो की सीरत को मत सुनाओ, किसी डांसर के वाकये को मत सुनाओ। अगर तुम्हें किस्सा सुनाना है तो मुस्तफा की सीरत को सुनाओ, किरदार मुस्तफा को सुनाओ और वो साजा गरीब नवाज के बचपन को सुनाओ। जब तुम अपने बच्चों को कुरान के पारे सुनाओगी, कुरान की तलावतें करके सुनाओगी, मुस्तफा की सीरत सुनाओगी, इमाम हुसैन के बचपन की सीरत सुनाओगी तो कसम रब्बे काबा की तुम्हारा बेटा जब जवान होगा तुम्हें गालियां नहीं देगा, तुम्हारा बेटा जब जवान होगा तुम्हें आंखें दिखा के नहीं चलेगा, तुम्हारा बेटा जब जवान होगा तुम्हें घर से बाहर नहीं करेगा, तुम्हारा बेटा जब जवान होगा तुमसे बदकलामी नहीं करेगा, तुम्हारा बेटा जब जवान होगा तुम्हें जो आंख उठा के नहीं देखेगा, तुम्हारा बेटा जब जवान होगा तो तुम्हें अपने सर में बिठाएगा, तुम्हारा अदब करेगा, तुम्हारा एहतराम करेगा। अरे जब तुम अपने बच्चों को हुसैन पाक की सीरत सुनाओगे, गौसे पाक की सीरत सुनाओगे, मुस्तफा की सीरत सुनाओगे तो तुम्हारा बेटा दुनिया में रहेगा तो जन्नत का सामान बन के रहेगा, कल मैदान मशर में जाएगा तभी तुम्हारे लिए जन्नत का सामान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही मेरे जब परवरिश होती है खानदानी नबूवत में काशा में रिसालत में अहले बैत अतहार में मुकद्दस जवान के नाम है इमाम हुसैन की जब परवरिश होती है यजीद कितना आता है जायज को नाजायज करने लगे, हराम को हलाल में तब्दील करने लगे, इस तरीके से मुतअद्दिद फिरकों जो इस्लाम में नहीं थी यजीद ने उन तमाम फिरकों को इस्लाम में शामिल करना चाहा, कानून ने इस्लाम की उसने धज्जियां बिखेरनी चाहिए, कुरान के मुकद्दस और मुबारक उसूल को उसने मिसमार करना चाहा, हर तरफ से जाहिल और काहिन को गुनाहों के बाजार को आम करना चाहा। ऐसे आलम में हजरत इमाम हुसैन ने मदीना शरीफ को भी छोड़ दिया, मक्का की वादियों को भी छोड़ दिया, अपने मुबारक काफिलों को लेके मेरे आका हुसैन करबला के मैदान में तशरीफ ले आए। आप अपनी 55 साल जिंदगी को जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिबास से अपने शहजादे हुसैन को दर्श दिया था, मौलाई कायनात ने जो अपने बेटे को दर्श दिया था, फातिमतु ज़हरा ने जो अपने शहजादे हुसैन को दर्श दिया था, उसी दर्श को बचाने के लिए, उसी सबक को बचाने के लिए, उसी कानून इस्लाम को बचाने के लिए मेरे आका हुसैन करबला के मैदान में तशरीफ लाते हैं, यजीदी फितने का मुकाबला करते हैं। आप 72 नफूस कुदसिया के साथ में 82
करबला के समीप से आते हैं। लोग वाकया तो बहुत सुनाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि आखिर एक तरफ इमाम हुसैन का काफिला, एक तरफ यजीद का काफिला, एक तरफ हुसैन का खेमा, एक तरफ यजीद का खेमा, एक तरफ खेमे यजीदी था, एक तरफ खेमे हुसैनी था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शराब किस खेमे में था? क्या खेमे हुसैनी में था? जवाब गलत क्यों बोलेगा? नहीं नहीं, अरे शराब खेमे हुसैनी में नहीं, शराब तो यजीद के खेमे में चल रही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिना का बाजार घर गर्म था, क्या खेमे हुसैनी में? तो ये मुआशरे का नौजवान कहेगा नहीं नहीं, अरे जिना का बाजार खेमे हुसैनी में नहीं बल्कि खेमे यजीदी में गर्म था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गुनाहों के रास्ते किधर खुले हुए थे? क्या खेमे हुसैनी में? तो आपका जवाब होगा नहीं नहीं, वो तो खेमे यजीदी में खुले हुए थे। खेमे यजीदी में शराब भी चल रही थी, जुआ भी चल रहा था, गुनाहों का बाजार भी गर्म था, जना भी गर्म थी, शराबी कबाबी भी उम्र थे। इमाम हुसैन का खेमा वो तो कुरान की तिलावत कर रहा था, वो तो अल्लाह को याद कर रहा था। इमाम हुसैन अपने नाना जान को याद कर रहे थे, अपने वालिद मुकर्रम मौला अली को याद कर रहे थे, फातिमतु ज़हरा को याद कर रहे थे। खेमे हुसैनी तो सब्र रज़ा का पैदल बना हुआ था। ऐ नौजवान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, अगर तू हुसैन से मोहब्बत करने वाला है, जिक्र सौदाए करबला को मनाने वाला है, हुसैन की मोहब्बत को अपने दिल में बसाने वाला है, कि हमारी मोहब्बत में हुसैन था, यही तकाजा है कि हम शराब पिए, हम जिना करें, हम जुआ खेले, हम कबाबी बने, हम शराबी बने, हम सफेदी बने, हम जुआबाज बने, नहीं नहीं। अगर तुम हुसैन की मोहब्बत निभाना चाहते हो, अजान हो तो मस्जिद में हमें जाना चाहिए। अगर हमें हुसैनी बनना है तो हमारे लिए जरूरी है हम इमाम साहब के पास जाए नमाज पढ़ने के लिए, कुरान को दुरुस्त करें, कुरान के मखारिज को सही करें, कुरान की तिलावत करें, मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ें। अगर हमें हुसैन से मोहब्बत करने का तकाजा करना है तो हमारे लिए जरूरी है कि हम यजीद की काम मत करें। अगर हमें करना है तो हमें हुसैन की काम करना चाहिए, अल्लाह की इबादत करना चाहिए, शराब से दूर रहना चाहिए, गुनाह से दूर रहना चाहिए, तमाम से दूर रहना चाहिए, दुआ से दूर रहना चाहिए। हुसैन यहाँ भी काम आएंगे, हुसैन कल मैदान में आएंगे।